नमस्ते 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 उसी लोक पर्व पे आधारित ये हमारा ये मंजूषा कला है। आपका पांच बॉर्डर का है। तो पांच बॉर्डर है। देखिए इसमें बॉर्डर की कहानी क्या है। सिद्ध चांदो सौदागर भगवान शिव के भक्त थे, भगवान शिव को चढ़ता है बेलपत्र, इसलिए इस डिजाइन यहाँ पे मंजूषा आर्ट में बेलपत्र डिजाइन। दूसरा डिजाइन होता है लहरिया, जो झूला जल बार से गई, जल में लहर होता है, लहर से लहरिया डिजाइन हुआ। यहाँ पे डिजाइन है सर्प की लकड़ी, जो देवी मनसा सांपों की देवी है। जी का कृपा है जो कि हम लोग इतना आगे बढ़े हैं, परिवार को बढ़ाए हैं, महिला लड़का जो सबको यही आशीर्वाद देते हैं, सब आगे बढ़िए। अच्छा, जो पहले बनती थी पहले कला थी और आज जो इसमें कुछ बच्चों का स्वरूप बनता है कला का, पहले क्या होता था? पहले कच्चा भी कलर था, अब फेब्रिक कलर हो गया, तो आगे सब प्रोग्रेस हुआ ना। तो पहले जो बनता था वो पेपर को बनाते थे आप या किसको बनाते थे? और पहले साल पेपर बनाते थे दीवार वगैरह पे, दीवार बहुत था पहले, सिर्फ पेपर बनाते थे। शादी ब्याह वगैरह बनाते थे, शादी ब्याह में सजावट के लिए बनाते थे या किसके लिए? आप जानते हैं एक बहुत ही प्राचीन पारंपरिक कला का केंद्र भी है। इस कला की मैं बात कर रहा हूँ, उसे मंजूषा कला कहते हैं हम लोग, शायद मंजूषा कला कहते हैं, मंजूषा। भागलपुर सिल्क के बारे में तो सबने सुना है, सभी पहले एक मिनट सबसे आग्रह है कि अपना मोबाइल को साइलेंट कर लीजिए। पेन स्टैंड वाला था वो,